अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गुप्ता हीरो पडरौना के द्वारा कला, साहित्य, खेल, वाणिज्य इत्यादि से जुड़ी महिलाओं का सम्मान किया गया। इस दौरान हमने कुछ महिलाओं से बातचीत की, जिसका कुछ अंश पेश है। उसी नगर संवाददाता उन महिलाओं को सम्मान करता है, उन महिलाओं को सैल्यूट करता है जो अपनी विषम परिस्थितियों में अपने परिवार को सर्वश्रेष्ठ रखती हैं, अपने लोगों को सर्वश्रेष्ठ रखती हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कुछ महिलाएं हमारे साथ में हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में मुकाम हासिल की हुई हैं। चाहे वो गृहिणी के तौर पर भी हैं तो अपने परिवार को एक बेहतरीन ढंग से चला रही हैं। तो कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं। आज मैम इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, क्या लगता है कि महिलाओं की स्थिति पहले से कुछ सुधरी हुई दिख रही है? अभी बेहतर कहा जा सकता है और बेहतर नहीं भी कहा जा सकता है, क्योंकि आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं पिछड़ी हुई हैं। तमाम तरह की ऐसी महिलाएं हैं जो सामाजिक शोषण का शिकार हो रही हैं। तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो पारिवारिक शोषण का शिकार हो रही हैं। हम बहुत ऊंचा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, सुधार हुआ है हमारे समाज में, हमारे देश में काफ़ी सुधार हुआ है महिलाओं को लेकर। कहा जा रहा है कि महिलाएं ये कर लेंगी, महिलाएं वो कर लेंगी, लेकिन महिलाएं कुछ नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि उनको करने नहीं दिया जाना चाहिए, चाह रहा है समाज। ये समाज करने नहीं देना चाह रहा है। कहा जा रहा है किसी का सपोर्ट नहीं है। समाज ये कहना चाह रहा है कि नहीं, आप काम करो। आप वही समाज ये कह रहा है कि नहीं, महिला क्या कर सकती है, क्यों प्रमोशन दिया जाए इसको? ये महिला के मान का नहीं है, इसको क्यों प्रमोशन दिया जाए? महिला नहीं कुछ कर सकती? क्यों नहीं कर सकती भाई? महिला वही महिला जो परिवार बना रही है, वही महिला जो समाज बना रही है, वही महिला जो देश बना रही है, वो महिला कुछ नहीं कर सकती? परिवार में रहो तो एक बहू के रूप में, वहाँ भी तमाम तरह की बंदिशें हैं। एक बहू के बाद एक बेटी, सबसे पहले एक महिला जब बेटी बनती है तो भी उसके साथ बंदिशें हैं, जब बहू बनती है तभी बंदिशें हैं, जब समाज में निकलती है तभी बंदिशें हैं, जब ऑफिस में जाती है अपना काम करती है तभी बंदिशें हैं, और जहाँ देखिए वही महिलाओं का ही शोषण है। लेकिन आज भी भारत में महिलाओं का सम्मान बचा हुआ है, और हम आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आपने महिलाओं के बारे में। मैम, तमाम बंदिशें होने के बावजूद, तमाम परिस्थितियों से महिलाएं आज के दौर में लड़ते हुए जो आगे आ रही हैं, तो क्या लगता है कि अभी कुछ सुधार की गुंजाइश और दिख रही है? हाँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा दिखती है। एक्चुअली इसमें जीवन साथी का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर जीवन साथी हर कदम पर आपके साथ है तो आप आगे बढ़ेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है, सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट फैमिली का सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। क्यों? क्योंकि इस आज की लेडीज़ें देखिए, प्लेन ही नहीं, फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अपने में। कुशीनगर की अगर बात कहें तो कुशीनगर के जो भूगोलिक स्थिति है, वहाँ पर महिलाओं की स्थिति क्या देखती है, क्या कुछ? यहाँ थोड़े डेवलपमेंट की ज़रूरत है और थिंकिंग की ज़रूरत है। यहाँ मतलब उन लोगों को इंटीरियर जो चीप मेंटेलिटी है उसको चेंज करना है, जो बैठ के गॉसिप होता है उसको हटाना है, और उसको सोच चेंज करनी है, और उनका मतलब एजुकेशन वाला फील्ड लाना है। यहाँ पे यहाँ बहुत कमी है इस चीज़ की। तो क्या लगता है कि मौजूदा जो भी गवर्नमेंट रही या फिर जो भी संस्थाएं रहीं, महिलाओं के हक के लिए कितना हद तक सफल हो पाई है? सफल तो हो रही है और धीरे धीरे हो रही है, लेकिन जैसे लेडीजें हैं घर में, अगर मायके में हैं तो मायके वालों का सपोर्ट चाहिए, ससुराल में है तो ससुराल का सपोर्ट चाहिए। अगर हम बढ़ेंगे तब समाज बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा तो फिर देश बढ़ेगा। मैम, तमाम बातें सुनने को मिलती हैं, आज भी तमाम तरह से लोगों को अवेयरनेस फैलाया जा रहा है कि महिलाएं या लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। उसके बावजूद देखा जा रहा है कि अभी भी लोग गर्भ में, सरकार को कड़े से कड़े कानून बनाने पड़ रहे हैं कि गर्भ में पल रहे बेटी की हत्या ना हो पाए, तो अभी भी मानसिकता बरकरार है अभी लगता है? हाँ, कुछ तो है, इतना तो हाँ, सोच बदलना है, लोग बदलनी है, लोगों की नज़रिया बदलना है, और जहाँ तक वो लोगों को सबको शिक्षित करना होगा, आगे बढ़ेंगी, समाज का सपोर्ट चाहिए। आप अगर अपनी नज़रिया बदलेंगे तो नज़ारा बदल जाएगा। सो अपना नज़रिया बदलिए, नज़ारा खुद ब खुद बदल जाएगा। बिल्कुल सही बात कही है, और पूरे बातों का निष्कर्ष एक तरह से निकला कि आपके पास कितने भी एडवर्टीजमेंट आ जाएं, कितने भी अवेयरनेस स्कीम्स चलाए जाएं, लेकिन जब तक आपका सोच और नज़रिया नहीं बदलेगा तब तक ये स्थिति नहीं सुधर सकती है। हम कुछ महिलाओं से बात कर रहे थे, और जो महिलाओं की ग्राउंड रियलिटी है वो आपसे भी नहीं छुपी है, तो ऐसे में
इनके बातों से सहमति दर्ज करते हुए हम आपसे कहेंगे अपनी सोच अपनी नज़रिया को बदलें और महिलाओं को सम्मान दें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।